गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति में आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 52 से 62 तक। ठीक है, इसमें हमने आप लोगों को एक एक अनुच्छेद करके पढ़ाने का प्रयास किया था, यानी अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52, 53 और 54, अनुच्छेद 52, 53 और 54 हमने क्या कर दिया था, आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 52 राष्ट्रपति का पद या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 कार्यपालिका की समस्त औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी या कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 54 हमने आप लोगों को क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 55 की ओर। किधर? तो अनुच्छेद नंबर 55 चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 55 का विषय क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 55 है कि निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद नंबर 55 कहता है निर्वाचन की रीति, यानी हमने बताया था क्या कि 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में काम दिया गया था कि औपचारिक प्रधान होगा, 54 में निर्वाचक मंडल तैयार किया गया था। 54 में क्या? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में भाग कौन कौन लिया था? तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। ठीक है, ये लोग तो मिलकर किसका निर्माण कर दिए? निर्वाचक मंडल का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? निर्वाचक मंडल। ठीक है, इलेक्ट्रोलर कमिटी। किसका निर्माण कर दिए? निर्वाचक मंडल का। अब भाई जो निर्वाचक मंडल का तैयार किए हैं ना, वह कहा गया का निर्वाचन की रीति, ये जो तैयार किए हैं तो कैसे ओटवा देंगे, अभी बात कही गई है। देखिए, पहले कहा गया कि निर्वाचक मंडल तैयार करिए। निर्वाचक मंडल जब तैयार कर लिए तब कहा गया क्या कि अभी लोग वोट कैसे देंगे, या तो इनके निर्वाचन की रीति क्या रहेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं निर्वाचन की रीति में कहता है क्या कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष कामा गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, गुप्त मतदान। इधर नहीं दिख रहा होगा ना, इधर लिख देते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष कामा गुप्त मतदान, गुप्त मतदान एवं एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति द्वारा किया जाएगा, द्वारा किया जाएगा। समझिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या रहेगी? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा ना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। कैसा निर्वाचन?
अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब समझिए, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, ठीक है, प्रधानी के चुनाव में या तो जिला पंचायत का चुनाव हुआ या बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में हम लोग प्रत्यक्ष वोट देते हैं, ठीक है। कैसा वोट देते हैं? प्रत्यक्ष वोट देते हैं, मतलब कि जनता, क्या जनता के द्वारा जो सदस्य डायरेक्ट चुना जाएगा, जनता के द्वारा जो सदस्य डायरेक्ट चुना जाएगा उसे कहेंगे क्या, उसे क्या कहेंगे तो मेरे दोस्त प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। देखिए अब जैसे कौन कौन, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, फिर विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जैसे जखिनिया के व्यक्ति विधायक के रूप में किसे चुने हैं? बेदीराम। और गाजीपुर जिला के व्यक्ति अपने सांसद के रूप में किसको चुने हैं? अफजाल अंसारी को। तो आइए बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव यदि हो रहा है उस समय बताइए कि भाई जो जनता है यह जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग ली है कि जनता एगो सांसद चुनी है और यह सांसद भाग ले रहा है। देखिए यह सांसद चुनाव में भाग ले रहा है कि जनता डायरेक्ट भाग ले रही है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कहेंगे कि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रही है, ठीक है। जनता ने किसको चुना? सांसद को चुना, और सांसद अब जाकर किसको चुन रहा है? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो कैसे, देखिए जनता एको का चुन दे अलग, या जनता का चुनिए सांसद को चुनी, अब उस सांसदवा कहेगा ना ए बबुआ ए तू हम हमारा नेतृत्व कौन करेगा? राष्ट्रपति। जैसे हम तुम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं वैसे ही अब तुम लोग घरे बैठे रहे हो, हम आप लोगों के लिए एगो राष्ट्रपति चुनकर आते हैं। कार चुनकर आते हैं? राष्ट्रपति। तो डायरेक्टर जे के वोट देबा प्रत्यक्ष, और वोट देने के बाद जिस सदस्य को चुने वह सदस्य किसी व्यक्ति को चुनेगा वह कहलाएगा क्या? अप्रत्यक्ष। क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अब गुप्त मतदान का मतलब समझते ही हैं कि छिपे तौर पर, ठीक है। फिर इसके बाद एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, अनुपातिक पद्धति को समझते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे किसको? एकल संक्रमणी को। अप्रत्यक्ष का मतलब समझ में आ गया कि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य के द्वारा जो चुना जाएगा वह क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। गुप्त मतदान का मतलब छिपे तौर पर वोट को देना, छिपे तौर पर वोट को देना, इना के हुल्ला करके, ठीक है, हुल्ला करके नहीं दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं, पहले अनुपातिक पद्धति समझिए। अनुपातिक पद्धति, मान लीजिए आपके पास तीन सदस्य खड़े हैं, सदस्य नंबर ए, सदस्य नंबर बी, सदस्य नंबर सी। तीन सदस्य खड़े हैं, कोई दिक्कत ना। तो अब कोई लोकसभा का आया सांसद या तो राज्यसभा का सांसद, उसमें आएगा अब वोट डालेगा। कैसे डालेगा? वोट डालेगा, तो अनुपातिक पद्धति में वोट डालेगा। उसको पता नहीं है अभी नया नया सांसद हुआ है। कैसा हुआ है? नया नया सांसद गया एकदम आंख मून के, अब बी को चुन कर चला आया, बी के बटन को दबा कर का किया? चला आया, ठीक है। बी के बटन को का कर दिया? दबा के चला आया, घर जाने लगा, ठीक है, यानी घर नहीं जाने लगा, बाहर निकलने लगा। निर्वाचन आयोग या जो निर्वाचन आयोग है कहेगा ए बबुआ सुन 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 आई पढ़ लेना अबे का अनुपातिक पद्धति में वोट देव के तुके कही का, तो कही कि अभी तो चुन ले ले एक के, अभी ए उ दुना उनमें चुन पहला नंबर पर एक चुन ले तो चुन की दूसर का नंबर पर के ले भी, तो कही कि सी खराब लगा था बी के चुन लेती, तो बी दूसर का नंबर का उन्हें को चुन लिया, ए को चुना। पहला जो सदस्य, पहला जो व्यक्ति आया एक नंबर पर किसको चुना? बी को। दूसरा नंबर पर ए को, और सी को किस नंबर पर चुना? तीसरा नंबर पर। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया वो चुन दिया, कहा कि एक नंबर इसको देते हैं, दो नंबर इसको देते हैं, तीन नंबर इसको देते हैं,
ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, वह कहा कि एक नंबर इसको देते हैं, दो नंबर इसको देते हैं, तीन नंबर इसको देते हैं। फिर कोई व्यक्ति आ गया, ये कहा कि एक नंबर इसको देते हैं और दो नंबर किसको देते हैं, तो दो नंबर इसको देते हैं और तीन नंबर इसको देते हैं, ठीक है। फिर कोई व्यक्ति मान लीजिए इसी तरह चलता रहेगा, चुनाव चलता रहेगा, तो इसमें देखा जाएगा क्या, इसमें क्या देखा जाएगा मेरे दोस्त, क्या देखा जाएगा, यह देखा जाएगा कि एक नंबर पर सबसे ज्यादा वोट किसने पाया है, एक नंबर पर सबसे ज्यादा वोट किसने पाया, एक नंबर पर किसी ने सबसे ज्यादा वोट पाया है ना, एक नंबर पर किसी ने वोट पाया ना, अरे अखिया से खोल के देखा है ना लोग था, एक नंबर पर सबसे ज्यादा कौन पाया है, बी, कोगो वोट पाया है, दो, लेकिन ए कहीं पाया है ना, तो इसको क्या कर दीजिए, काम खत्म कर दीजिए, नहीं पाया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कहीं पाया है, हाँ पाया है, कोगो पाया है, ईहो ससुरा दो गो पा गया, काम खत्म, दोनों को वोट बराबरी, ठीक है। ई है प्रथम चरण की मतगणना, ई का है प्रथम चरण की मतगणना, इसको क्या कहेंगे मेरे भैया, प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना। अब देखिए अब यहां पर तो बराबरी हो गया, अब देखा जाएगा क्या, द्वितीय चरण की मतगणना, कौन सी मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना। अब देखा जाएगा कि द्वितीय चरण की मतगणना में दूसरा नंबर को कौन ओटवा पाया है, तो देखिए दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा कौन पाया है, दूसरा नंबर में यप आ गया, यहां पर तो बराबरी हो जाएगा, ठीक है, एक और बढ़ा लेते हैं तब तो मजा आएगा, नहीं तो इसको यहां पर बदल दीजिए, क्या करेंगे, इसको कर दीजिए तीन नंबर, इसको कर दीजिए दो नंबर, चलिए इसको कर देते हैं तीन नंबर, इसको कर देते हैं कहा दो नंबर। अब देखा जाएगा कि दूसरा चरण की मतगणना में कि दो नंबर वाला सबसे ज्यादा कौन पाया है, इसमें दो नंबर वाला, तो इसका मतलब ही नहीं कोई है, पहले चरण की मतगणना में ही बाहर हो गया, दूसरे चरण की मतगणना में देखिए कि दो नंबर हाई कौ पाया है, एक पाया है, हाई दो नंबर वाला दो गो पाया है, तो बोल बबुआ जीतेगा कौन, कौन जीतेगा, कौन जीता, सी जीत गया, कौन जीता, सी जीत गया, सी इज विन, कौन जीता, सी जीत गया, कौन जीता, सी। ये था क्या, अनुपातिक पद्धति, यानी वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में वोट देने की क्रिया, वरीयता क्रम में वोट देने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वरीयता क्रम में वोट देने की क्रिया अनुपातिक पद्धति कहलाती है, क्या कहलाती है, अनुपातिक पद्धति। सुन बबुआ, प्रथम चरण की मतगणना में क्या देखा जाता है, तो रैंक नंबर एक या फर्स्ट रैंक देखा जाता है, क्या देखा जाता है, फर्स्ट। सेकेंड चरण की मतगणना में क्या देखा जाता है, तो सेकेंड चरण देखा जाता है, कौन सा चरण, सेकेंड रैंक देखा जाता है, कौन सा रैंक, सेकेंड रैंक देखा जाता है। अब देखिए अब इसमें पूछेंगे कि कौन चरण की मतगणना हो सकती है, कौन चरण की मतगणना हो सकती है, तो मतगणना होने का कारण यह है कि जो वो सदस्य तो चरण की मतगणना, जो वो सदस्य रहेंगे तितने या उतने चरण की मतगणना हो सकती है, कोई दिक्कत ना। अब देखिए अब यहाँ पर यदि नहीं जीतते तो तीन नंबर को देखा जाता कि तीन नंबर में कौन पाया है, तीन नंबर में हाई पा गया है, हाई इसको नहीं, तो हाई वाले जीत जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अनुपातिक पद्धति का मतलब तो समझ में आ गया कि वरीयता क्रम में वोट देने की क्रिया, वरीयता क्रम में वोट देने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुपातिक पद्धति। लेकिन एकल संक्रमणी का कहलाती है, तो देखिए जवन व्यक्ति या जो सदस्य, जवन व्यक्ति या जो सदस्य पहलका चरण की मतगणना में हार गया है या पहले चरण की मतगणना में हार गया, उसके पूरे वोट को बटोर कर, उसके पूरे वोट को बटोर कर, उसके पूरे वोट को बटोर कर बचे हुए सदस्यों में बांट देना, यानी बी और सी में क्या करना, बांट देना, क्या कहलाता है मेरे दोस्त, एकल संक्रमणी कहलाता है, क्या कहलाता है, एकल संक्रमणी। देखिए समझिए, जो व्यक्ति हार चुका है उसके वोट को जवन व्यक्ति या हार गल ओकरे ओटवा के बटोर के दोनों के ओटवा में एकदम सौंदा उड़ीदा मिला दे कमे, ठीक है, आधी अभी बांट दा, आधी तू ले ले, आधी तू ले ले,
फिर देखा कितनी से हरला कितना से जीतला सोन, वह कमवा कर देंगे तो मेरे दोस्त का कहलाएगा एकल संक्रमणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकल संक्रमणी कहलाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद नंबर 56 की ओर आगे बढ़ते हैं। किधर? अनुच्छेद नंबर 56। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अनुच्छेद नंबर 56। अनुच्छेद नंबर 56 में क्या मिलेगा? तो पदावधि व कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर 56, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 56 में देख लेते हैं क्या मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 56 में मिलेगा पदावधि व कार्यकाल, पदावधि व कार्यकाल। ठीक है, पदावधि व कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति की पदावधि कब होती है? तो राष्ट्रपति जब से शपथ ले लेता है, सुनिए, राष्ट्रपति जब से शपथ ले लेता है उसी दिन से वह 5 साल के लिए क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है या मान्य हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पदावधि राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? तो 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कार्यकाल भी उसका कौन साल का होता है? 5 साल का होता है। परंतु यदि वह चाहे तो अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो वह, देखिए, राष्ट्रपति पदावधि या कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। क्या दे सकता है? त्याग पत्र। किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। कौन? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तब किसको त्याग पत्र देगा? तो सीजेआई को देगा। किसको देगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या देगा? क्या देगा? त्याग पत्र देगा। ठीक है, अगला देखिए, जब से वह कौन? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता है तभी से वह 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। क्या बन जाता है? राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति बन जाता है यदि वह चाहे तो 5 साल से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। क्या दे सकता है? त्याग पत्र। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तब किसको देगा? सीजेआई को। सीजेआई को देगा। ठीक है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। वह अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब किसको देगा? तो यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को देगा। कोई दिक्कत ना। अगला वाला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 57। अनुच्छेद नंबर 57 का विषय क्या है देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 57 का विषय है पुनर्निर्वाचन। पूरा लिख देते हैं, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, इसमें कहा गया है कि क्या जो एक बार जीता है राष्ट्रपति, क्या जो एक बार राष्ट्रपति जीता है वह फिर से राष्ट्रपति बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान इस पर क्या है मेरे दोस्त? मौन है। यानी कोई व्यक्ति अनेक बार
या बहुत बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कैसे? तो उस पर संविधान कोई बाध्य नहीं किया है। संविधान का क्या है? बाध्य नहीं किया है कि एक ही बार राष्ट्रपति बनेंगे या दो बार राष्ट्रपति बनेंगे या तीन बार राष्ट्रपति बनेंगे। पुनर्निर्वाचन का मतलब फिर से निर्वाचन किसका? तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का फिर से क्या करना है मेरे दोस्त? निर्वाचन करना है। तो एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुका है, क्या फिर राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, बन सकता है, क्योंकि उस पर संविधान मौन है, बाध्य नहीं किया कि आप इतनी ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई दिक्कत ना। तो समझिए कैसे होगा। तो यदि मान लीजिए 2010 में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना गया, उसका कार्यकाल समाप्त होना है 2015 में। कब? 2015 में। तो 2010 में चुना गया व्यक्ति यदि चाहे तो 2015 वाला चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ सकता है, लड़ सकता है। लेकिन लड़ेगा तो जो पिछली प्रक्रिया किया था, क्या? तो अनुमोदक, प्रस्तावक, जुर्माना, अरे जमानत राशि, सब क्रिया इस बार भी करेगा। लेकिन क्या यह कहा गया है संविधान में कि कोई व्यक्ति एक बार चाहे दो बार राष्ट्रपति बनेगा? नहीं कहा गया है। ठीक है, इस पर संविधान का है मेरे दोस्त? मौन है। इस पर संविधान का है? मौन है। अनुच्छेद नंबर 58, अनुच्छेद नंबर 58 देख लेते हैं। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद नंबर 58, अनुच्छेद नंबर 58 का विषय क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 58 में कहा गया है योग्यता, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए उसकी बात कही गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं राष्ट्रपति के पद की योग्यता। पहला बात, वह भारत का हो, नागरिक हो। पहला बात, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा बात, वह 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। वो 35 वर्ष की आयु का कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, आगे देखिए। वह लोकसभा की योग्यता रखता हो, लोकसभा की योग्यता रखता हो, लोकसभा की योग्यता रखता हो। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु कितना साल होती है? 25 साल। कितनी साल? 25 साल। ठीक है, कितनी साल? 25 साल। अगला वाला, लोकसभा की योग्यता रखता हो। अगला वाला देखिए, इसमें कहीं कहीं पर मिलेगा कि राज्यसभा की योग्यता रखता हो। दोनों सही है, राज्यसभा का 35 साल, लोकसभा का 25 साल। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला वाला आपको मिलेगा क्या? अगला वाला मिलेगा कि उसके 50 प्रस्तावक हो, 50 प्रस्तावक हो। दूसरा वाला 50 अनुमोदक हो, 50 का हो, अनुमोदक हो। दूसरा वाला 50 अनुमोदक हो। तीसरा वाला का 15,000 रुपया जमानत राशि, 15,000 रुपया जमानत राशि हो। का हो? जमानत राशि। 15,000 रुपया का हो? जमानत राशि हो। समझिए, वह भारत का नागरिक हो, सभी लोग समझ रहे हैं। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सभी लोग समझ रहे हैं। लोकसभा की योग्यता रखता हो, सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन आई 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक, 15,000 रुपया जमानत राशि। समझिए क्या कहना है कि हम बताते हैं भैया का, सोचिए कह दिया गया कि 35 वर्ष की आयु का कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तो भारत में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो 35 वर्ष की आयु का कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं।
35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, घरे द्वारे बैठे रहे ना, एकदम पतो होके गरिए यहाँ काम ना करती है, सही से हाई करती है, हाउ करती है, मतलब समझिए का कोनो चाय का दुकान रही, ठीक है, चाय पकौड़ी के दुकान पर जाके बैठ जाइए। अब बैठिए कहाँ, कुर्सी रही, कुर्सियों नहीं रहती है, कहाँ रहती है, दू गो चार गो दस गोईटा ये बगलिया, दू चार दस गोईटा ये बगलिया सरिया के, और वही पर एगो है जो खम्मा खम्मा लाइनिया वाला, वही के सुता दिए सोन, और वही पर बैठिए दस गो बुढ़वा बरियाई से एकदम लाइन से सरिया के बैठ गई ना, आइये बतीय शर्मा जी के पतोया हुआ, अरे नैयर रहती है लगत ना पटत है, यादव जी के पतोया हुआ अरे हाई है, अरे वो मई कते तो क्यों रही कही यादव जी का लौकत है, अरे मिश्रा जी और सिंह साहब का पतोया तभी हुआ करती है, लड़कियों करती है, मिश्रा जी का पतोया पढ़े ना जाले, लड़किया पढ़े ना जाले, का करे जाले, सरकौआ मोबाइल घसकौआ चलावे जाले, ठीक है। तो ये सब खुराफात बैठे, खुराफात जो बैठे व्यक्तिया 35 साल के हैं, और कौनो वही में उम्र के उनको 35 साल हो गई, कही कि हम का लड़ब राष्ट्रपति का चुनाव, और राष्ट्रपति का पर्चा भरे चल दे, राष्ट्रपति का हो जाई नामांकन करावे चल दे, आ तब तक काम गड़बड़ा जाए, चुनाव आयोग कितना क्या लेकर राष्ट्रपति में पर्चा भरी। अब देखिए सबसे दिक्कत ही है पर्चा भर दिया जाएगा, लेकिन उसमें ई दिक्कत है का कि इनान के ओटावा वरीयता क्रम में देवे के दे देत पगला जाए, क्यों सांसद चाहे विधायक दे देत का हो जाए पकड़ा जाए, पकड़ेले का मतलब ही कि कौने के पहला पद है, कौने के दूसरा पद, कौने के तीसरा पचवा करत करत पकड़ा जाए, इसलिए कहा गया का कि वह 50 गो प्रस्तावक रखता हो, ठीक है, 50 गो प्रस्तावक, 50 गो प्रस्तावक का मतलब समझिए कि संसद में लोकसभा है और राज्यसभा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, 50 गो प्रस्तावक का मतलब का आप भी किसी जो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होगा वह भी इसमें से या तो इसमें से एगो में से होगा, पक्का होगा, होगा। तो अब देखिए जब होगा तो इसमें कहा गया का कि 50 गो या तो लोकसभा से ला या तो 50 गो राज्यसभा से या तो दोनों में से मिला के 50 गो व्यक्ति चुनाव आयोग के समक्ष जाइए, चुनाव आयोग के समक्ष जाएंगे और कहेंगे कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए का है योग्य है, प्रस्ताव रखेंगे, क्या रखेंगे प्रस्ताव, यानी लोकसभा से या तो राज्यसभा से या तो दोनों से मिला के 50 गो व्यक्ति का रहेंगे, आपके जो राष्ट्रपति उठ रहा है उसके पद पर क्या करेंगे, उसके पद को उठाने के लिए उस व्यक्ति के नाम को क्या करेंगे, उजागर करेंगे, आगे लाएंगे कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लायक है, ठीक है, तो यह व्यक्ति का है राष्ट्रपति के पद के लायक है, तब जाकर चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ अब तो सुन जा तो उनका काम होगा, तो सुन प्रस्ताव पारित कर देना, ठीक है, क्या कर दिए प्रस्ताव पारित कर दिए आप लोग, अब 50 लोग अब क्या करिए जाइए। फिर देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए दूसरा टिटिम्बा का आया कि फिनों से कहीं से 50 गो जुटावा, कैसे 50 गो जुटेला, दारू पिया के चाहे दाना खिया के चाहे पैसा बांट के 50 गो अनुमोदक जुटे, प्रस्तावक जुटाए, का जुटाए 50 गो प्रस्तावक, आई जो 50 गो प्रस्तावक जुटाए हैं अभिनान का काम खत्म, ये सब फिन से उसमें नहीं जाएंगे निर्वाचन आयोग में या चुनाव आयोग में आपके हामी भरने के लिए, ठीक है। अब जो नया 50 गो जुटाएंगे फिर कहां से जुटाएंगे, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से या तो दोनों से जुटाने के बाद फिर 50 ठौरा जाइए। अब ये जो 50 जाएंगे ई कहेंगे कि यह व्यक्ति चुनाव के लायक अच्छा है, चुनाव के लायक अच्छा है, इसका क्या कर दिया जाए, नामांकन कर दिया जाए, इसका क्या किया जाए, नामांकन कर दिया जाए या तो पर्चा भर दिया जाए, तो 50 गो तोहरे नाम का प्रस्ताव रखिए और 50 गो तोहार अनुमोदन करिए कि हाँ ठीक ठाक है, संसद में बढ़िया रहला, रोज उपस्थिति है, बढ़िया प्रस्ताव है, बढ़िया बजट पारित करता है, बढ़िया अच्छा काम करता है, इस कारण निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कहेगा कि ठीक है तब इसको भर देते हैं, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। इसी कारण हमने कहा कि जो ना बुढ़वा दस्त बैठल खम्भा पर उस 35 साल का हो जाइए तो कहीं राष्ट्रपति का चुनाव लड़े जाते हैं, ठीक है,
तो अब वो सब कटे कट गए ना, न उनके पास 50 गो प्रस्तावक हैं, न उनके पास 50 गो अनुमोदक हैं। ठीक है, 50 को प्रस्तावक होना चाहिए और 50 को अनुमोदक होना चाहिए। आशा करता हूं कि यह समझ में आया होगा। अब इसके बाद 15,000 रुपया जमानत राशि देख लेते हैं। 15,000 रुपया जमानत राशि, 15,000 रुपया जमानत राशि देख लेते हैं। जमानत राशि क्या देखेंगे भैया, कि किसी भी चुनाव को लड़ने से पहले आरबीआई के समक्ष, किसके समक्ष, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो 15,000 रुपया का करेंगे जमानत राशि जमा करेंगे। 15,000 रुपया जमानत राशि का करेंगे जमा करेंगे। अब 15,000 रुपया जो जमानत राशि जमा करेंगे वह जब्त कब हो जाएगी, समझिए। जमानत राशि का मतलब ई अपनी इज्जत उसके पास रख रहे हैं। इज्जत रखने का मतलब ई कि पूरे वोट का, जितना वोट पड़ा है उस वोट का यदि 1/6 वोट आप नहीं प्राप्त करेंगे तो 15,000 रुपया जमानत राशि का हो जाएगी आपकी जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। जब्त होने का मतलब ये है मेरे भैया कि गांव में सुने होंगे ना, जब प्रधानी लड़ी जाती है तो गोजी का उठौआ हो जाला, निकाल गोजी निकाल बंदूक, तो में झगड़ा होगा का रतिया का मुर्गावा बाटत के समय, मुर्गा बटिया पैसा बटिया गर्दान पैसा बटिया सुन वो सब करते हैं। आइयो कहते हैं हाँ हाँ चल देख ले तो जमानत जब्त ना करवा देनी तो हमसे कहिए। ठीक है, वह होता है जमानत जब्त। जमानत जब्त का मतलब ही कि मान लीजिए यदि 600 वोट पड़ा, कितना वोट पड़ा, 600 वोट पड़ा पूरा, 600 वोट का 1/6 यानी 6 × 6 यानी 100 वोट भी यदि आपको नहीं मिला, 100 वोट भी यदि आपको नहीं मिला तो हाई 15,000 रुपया का हो जाएगी जमानत जब्त। इसे कहते हैं जमानत, 15,000 रुपया को का कहते हैं जमानत। यही जब 600 वोटवा में से 100 गो वोट भी नहीं पाएंगे तब आपकी जमानत राशि का हो जाएगी जब्त हो जाएगी। तो देखेंगे गांव में जो प्रधानी लड़ते हैं चल तो जमानत जब्त करवा दे। जमानत जब्त करवाने का मतलब ही नहीं कि उलाट के पिटिया सुमन कुछ ना करिए, उनके दम में कुछ कपैया कुछ ना करिए। अरदान प्रदान से तो डर और जिन लोग अरदान प्रदान कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, पुलिस दरोगा सिपाही से तो डराना का डरने का बात ही नहीं है, प्रधान का करेंगे देख लिया जाएगा। चलिए समझिए, ई जमानत जब्त करने का मतलब ये कहते हैं कि यदि 500 वोट पड़ी ना बाबू तो मैं से 1/6 वोटवा तू ना पाई भी आ तो जमानत जब्त कर दे। क्या कर दे, जमानत जब्त। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा गया धन या रखी गई राशि जमानत राशि के नाम से जानी जाती है और वह 1/6 वोट नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए आशा करता हूं कि यह समझ में आया होगा। देखिए अनुच्छेद नंबर 58 कहता है कि लाभ और का राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता यानी हाई सब होना चाहिए, हाई सब आपके पास का होना चाहिए, ये जरूरी है आवश्यक है। लेकिन अब आगे जो पढ़ाएंगे अनुच्छेद नंबर 59 में वह नहीं होना चाहिए, का वह नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो इसको मिटाएंगे जल्दी से। अनुच्छेद नंबर का 59 हो गया और 58 हुआ, 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 में का है पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद नंबर 59 में है पद के लिए शर्तें, देख लेते हैं पद के लिए शर्त क्या है। अनुच्छेद नंबर 59, अनुच्छेद 59, 59 में है पद के लिए शर्तें, पद के किसके पद, तो राष्ट्रपति, शुरू से देखिए मिलेगा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या मेरे भैया शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त में क्या है। पहला वाला देखिए क्या मिलेगा कि वह पागल या दिवालिया ना हो, पहला वाला
वह पागल न हो, पागल न हो, दूसरा वाला वह दिवालिया न हो, तीसरा वाला वह संघ सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, वह संघ सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो। जो हम आपको अनुच्छेद नंबर 58 में पढ़ाए हैं उसको कहें कि वो होना चाहिए, जो 58 में पढ़ाए हैं उसको कहें कि वह का होना चाहिए, निश्चित है, अनिवार्य है, और ई का है कि यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। वह पागल ना हो, वह दिवालिया ना हो, वह चोर उचक्का ना हो, संघ अथवा राज्य के संघ अथवा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, सरकारी नौकरी में ना होके चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, वो पागल ना होके चाहिए, पागल का मतलब ही कि दिमाग का गोलू, चाहे दिमाग का हल्लू, एक ईटा खाल चाहे एक ईटा ऊंच, ठीक है, चवन्नी दब हो जाए तब वो काम गड़बड़ा जाए। फिर इसके बाद दिवालिया का मतलब ये कि बैंक उसे दिवालिया ना कर दिया हो, दिवालिया का मतलब ये कि अपने औकात से ज्यादा कर्ज ले लियो, आपकी औकात है 5 रुपया चुकाने की और ये आप कर्ज ले लिए कितना का, 10 रुपया का या तो 7 रुपया का, अब बैंक आपकी संपत्ति को क्या कर दिया हो, नीलामी कर दिया हो, या बैंक आपकी संपत्ति को अपने अंडर ले लिया हो, अपने अंदर में ले लिया हो, तो उसे कहते हैं दिवालिया, उसे क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, दिवालिया। फिर इसके बाद संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलेंगे अनुच्छेद नंबर 60 के अनुसार। महाभियोग के लिए तैयार रहिए, राष्ट्रपति को बना लिए, वोट दे दिए, निर्वाचक मंडल तैयार करवा लिए, शर्त भी क्या थी, उसकी आवश्यकता क्या थी, पूरा हो गई, अब बना दिए राष्ट्रपति, यदि गलती कर दिया, यदि गलती कर दिया तो उसे हटाने के लिए अब कैसे हटाएंगे, किसे हटाएंगे, या उसको कैसे उसके पद से हटा दिया जाएगा या पद च्युत कर दिया जाएगा, उसे कहते हैं का इंपीचमेंट या महाभियोग, उसे किस नाम से जाना जाता है, इंपीचमेंट या महाभियोग, उसे अगले दिन पढ़ेंगे। जय हिंद, जाने की आज्ञा दीजिए।